तो बोली माँ से पूछ के आना। गए वापस घर, माँ को पूछे कि हम कब पैदा हुए। माँ सोच रही थी कि शाम को खाना कब बनाएंगे, ये कब पैदा हुए, ये नया समाज पैदा हो गया। फिर टालने के लिए बोल दी कि हमको याद नहीं है। हम बोले कि नहीं बताना पड़ेगा, स्कूल में जो है लिखवाना है। तो बोलना कि मैं, माँ बोली कि मैडम को बोलना कि जो डेट उनको ठीक लगे वो लिख दे। फिर हम गए और ये मैं आप चेक कर सकते हैं, और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है कि इस देश में ज्यादातर लोगों का जन्मदिन जो सर्टिफिकेट पे वो 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच होता है। कि सब 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी में पैदा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपके घर में वो डायरी भी नहीं होगी जिसमें आपका जन्मदिन लिखा हुआ होगा। किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जाट के बगानों में काम करने वाले जो गरीब आदिवासी हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इस देश के जो गरीब किसान और मजदूर हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और पूछिएगा अपने आसपास, होटल में जो बच्चा काम कर रहा होगा जहां आप संदेश खाने के लिए जाइएगा, उसको पूछिएगा बाबू इधर आओ, तुम्हारा जन्म कब हुआ है, देखिए वो आपको कौन सा डेट बताता है। तो जब थोड़ी मेरी स्थिति ठीक हुई और मैं अच्छे स्कूल में गया तो मैं देखा कि हर दिन क्लास में कोई ना कोई वहां लैपटॉप बांट रहा होता। तो हम पूछते थे किस बात का, तो कहता था कि आज मेरा जन्मदिन है। तो साल बीत गया, हम अपनी माँ को बार बार कहें कि मेरा भी जन्मदिन बताओ, हम भी वहां लैपटॉप बांटेंगे अपने क्लास में। तो माँ बोली पता ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि एक पुरानी लालमाई अलविदा जो है मेरे पिताजी की पड़ी हुई थी और कॉपी लिखने के लिए खत्म हो गया था, तो माँ ने कुछ बची हुई पुरानी डायरियां निकाली। तो मैंने 27 मार्च के पन्ने पे देखा, उसमें लिखा हुआ था कि आज मेरे घर में एक मेहमान का आगमन हुआ। मैंने माँ को दिखाया था कि वो मेहमान मैं ही तो नहीं हूं। माँ फिर हिंदी का महीना जोड़ करके बताई कि हाँ वो तुम ही हो। और मजेदार बात जान लीजिए, मेरे छोटे भाई को आज भी नहीं पता है कि उसका बर्थडे क्या है, क्योंकि वो जिस साल पैदा हुआ उस साल की डायरी नहीं है। ये मैं आपको कहानी इस देश का बता रहा हूं, यही इस देश का सच है। उस देश में जहां कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा ले, वहां डॉक्यूमेंट की टेक्नोलॉजी में आप आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। और जो लोग भी आम लोगों की परेशानी के खिलाफ बोलेगा, आप उसके ऊपर यह पेंट कर देना चाहते हैं कि देखो ये मुसलमानों के पक्ष में है और हिंदुओं के खिलाफ में है। और हिंदू मुसलमान की जो यह नफरतवादी राजनीति है उसको हवा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक बात सोच करके बताइए कि लोग डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए लाइनों में जो लगे हुए हैं वो किसी एक धर्म है के हैं कि सभी धर्म के हैं, सब डॉक्यूमेंट खोज रहा है ना। अचानक से लोग अपने बाबा के मतलब दादा के दादाजी का नाम याद कर रहा है, क्योंकि ये पता करना पड़ेगा कि दादाजी के दादाजी किस गांव में पैदा हुए थे, वहां से जाकर के डॉक्यूमेंट खोजना पड़ेगा। कोई अपने मायके फोन कर रहा है, कोई अपने ससुराल फोन कर रहा है। एक तरीके से पूरे के पूरे देश में यह मसला सिर्फ बंगाल का आसाम का नहीं है, पूरे के पूरे देश में एक अराजक स्थिति पैदा कर दी गई। सबके मन में एक डर बिठा दिया गया है। कहीं ना कहीं हर किसी को यह मालूम होता है कि हमारे एंसेस्टर्स कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज कहां से आए हैं, तो वो पता करने में लगा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ये ऊपर से आप लोगों को देखने में लग सकता है कि ये घुसपैठियों का और मुसलमानों का मसला है, हकीकत में ये घुसपैठियों का और मुसलमानों का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए यह जो फोरम है, यह फोरम पीपल्स अगेंस्ट एनआरसी है।
यह जो पीपल्स का कॉन्सेप्ट है, यह पीपल्स का कॉन्सेप्ट इस देश के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। इस देश के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का जो पहला लाइन है वो कहता है हम भारत के लोग, और इस लोग में हर धर्म के, हर संस्कृति के, हर भाषा बोली के, क्षेत्र के, पहचान के लोग शामिल हैं, और उनको आपस में बांटने के लिए जब एनआरसी की लिस्ट आसाम को लेकर के जारी हुई तो सरकार के द्वारा एक नया सबूत छोड़ा गया। सरकार ने यह कहा कि मुसलमानों को छोड़कर के बाकी सब लोगों को शरणार्थी बना दिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें सुन लीजिए, एनआरसी की लिस्ट जब जारी होने वाली थी तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि 19 लाख में से 18 लाख मुसलमान हैं, लेकिन जब फाइनल लिस्ट जारी हुई तो उसमें करीब 14.5 लाख, 13 लाख हिंदू और 1.5 लाख से ज्यादा गोरखा लोगों का नाम आया। और जो गोरखा लोगों का नाम आया है उसको जब आप गौर से देखेंगे उस फाइनल लिस्ट को, तो वैसे लोगों का नाम उससे गायब कर दिया गया है जिसके बिना इस देश का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी छविलाल उपाध्याय के परिवार के लोगों का नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया। गोरखा रेजिमेंट में काम करने वाले जो एक जवान है जिन्होंने इस देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी, शहादत दी, उनके परिवार के लोगों का नाम गायब कर दिया गया। जिनको साहित्य अकादमी दिया गया है, दुर्गा जी के बारे में बात कर रहा हूं, उनके परिवार के लोगों का नाम गायब कर दिया गया है। और फिर गोरखा लोगों के बीच में भाजपा के लोगों ने यह कंफ्यूजन फैलाया कि अमित भाई ने बोल दिया है, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नेता का बात और घोड़ा का लाभ का कोई भरोसा नहीं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित भाई ने उद्धव ठाकरे को भी कहा था कि 2.5 साल हम लोग मुख्यमंत्री होंगे। क्या